हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्टर किए हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए, जिन्होंने कोर्स लिया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नोलॉजी या ADCHN कोर्स में। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली क्या क्या कंटेंट पे फोकस करना रहेगा। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत आपको आगे जाना है, राइट? तो एक एक करके क्या क्या कोर्स, क्या क्या आपको टॉपिक कवर करने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, ये सारा मैंने स्लाइड एक बना रखा है, उसको मैं एक एक करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो जो हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन हुए हैं उनको मैं ये सिलेबस उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैं शेयर कर दूंगा, राइट? व्हाट्सएप में अभी तक मैंने ग्रुप नहीं बना पाया, आप लोगों का ग्रुप बहुत जल्दी बन जाएगा, जैसे सेशन स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप बन जाएगा, राइट? तो नॉट ओनली एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं भी किया है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, स्पेशली ये सबके लिए है, जो उन सभी लोगों के लिए जो भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस रूट पे आना चाहते हैं, बिगनर्स है आप स्टूडेंट है, फ्रेशर्स है, तो आपके लिए ये है। आपको जानना बहुत जरूरी होगा अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या कोर्स कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। और अगर इंटरव्यू कहीं से क्रैक हो गया, किसी के रेफरेंस से आपको जॉब मिल भी गई, तो आपको काम करने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, राइट? मेरा फोकस यही है, जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनको आईटी में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मैं स्पेशली उन्हीं के लिए चैनल बना रखा है। दोनों चैनल ICNT ज्ञान एंड ICA हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन, स्पेशली हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन में मैं एकदम बेसिक से ट्यूटोरियल बना के छोड़ रहा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन में नहीं हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन चैनल यूट्यूब से जुड़िए और वहाँ पर सभी टॉपिक का प्ले लिस्ट हमने बना रखा है, एक एक करके उस पर आता रहेगा ट्यूटोरियल। अगर आप एप्लीकेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए ICNT Academy, और वहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए ज्वाइन, आप चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए ज्वाइन करिए, चाहे DCHN या ADCHN, ऑलमोस्ट सभी का कॉन्टेंट सेम रहेगा, क्लासेस एक ही साथ चलनी है, राइट? और इसके एवज में ये कोई ज़्यादा फीस चार्ज नहीं ले रहे हैं, सर्विस चार्ज, छोटा सा सर्विस चार्ज है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है इजिली, राइट? क्योंकि हम एक कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का कोर्स करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको हम 3-4 सर्टिफिकेट उसमें प्रोवाइड करेंगे। एक तो होगा हार्डवेयर नेटवर्क के लिए जो डेस्कटॉप सपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा रहेगा विंडो सर्वर के ऊपर, तीसरा रहेगा लिनक्स सर्वर के लिए, राइट? एक रहेगा वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो ये सर्टिफिकेट हम अपने इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक ISO सर्टिफाइड है और प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जो कि कहीं भी वैलिड रहेगा। आप एक प्राइवेट इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में कहीं भी ये सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कोर्स कम्प्लीट किया है। तो जो भी जिन्होंने भी हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्टर किया है, आप पेशेंस रखिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, आपका सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। यही से स्ट्रेटजी आपको फिक्स करनी है कि क्या क्या कंटेंट आपको कवर करनी है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका PDF तो हम भेजेंगे, आपको ज़रूर भेजेंगे, आपके व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, नहीं तो जो भी हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं आप इसको होल्ड करके एक एक जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको PPT, इसको एक एक जो टॉपिक है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अपने मोबाइल में, तो आपके पास सुरक्षित रहेगा, या नोट डाउन कर लीजिए आप। अगर आपको ज्वाइन होने में कोई डाउट है, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप करिए बेटर रहेगा, कोई भी डाउट है आप वहाँ से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, अगर आप एप्लीकेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो, राइट? नहीं तो
फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड को कि मैं कोई फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आपसे कि हमारे एप्लीकेशन पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल नहीं मैं फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये एजुकेशन फ्री रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पे। रही बात अब एप्लीकेशन पे एक सर्विस चार्ज छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये ISO सर्टिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एप्लीकेशन के लिए हमें अपोर्ट करना पड़ता है, ये सारे चार्जेस लगते हैं। और अगर हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट को मेंटेन करने के लिए आपका सर्टिफिकेट जो भी हम देंगे वो हमारे वेबसाइट में हमेशा रहेगा, लिस्टिंग रहेगा, तो ये सब कहाँ से मेंटेन होगा, इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए उसके एवज में कुछ सर्विस चार्ज है, कोई ट्रेनिंग का फीस हम नहीं ले रहे, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप खुद सोचो, ये जो ट्रेनिंग हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लेवल का ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, ये नॉट ओनली डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तब भी यही ट्रेनिंग आपको करनी है, सेम यही ट्रेनिंग बननी है। अगर ये पूरा ट्यूटोरियल आप देखोगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा जो मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ आपको, कि क्या क्या पोजिशन आप इसके बाद ये कोर्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ें, और ये कोर्स को अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में आप जाके ऑफलाइन करोगे तो आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपीस पे करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, राइट। तो हमारे साथ ट्रस्ट करिए और हमारे साथ करिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, हमारे यूट्यूब को ग्रो करिए, राइट। ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, स्पेशली मैं मेहनत उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको जॉब पाने में मुश्किलें होती हैं। आप अगर एक फ्रेशर्स हैं ना तो आपको जॉब पाने में स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, जॉब मिल जाती है उसके बाद आपको कंपनी में सर्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका सीनियर आपको सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी कुछ कर लेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। सो गाइस आप देख सकते हैं कोर्स कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये कोर्स कंटेंट है और इसी को आपको फोकस करनी है। देखिए पीसी हार्डवेयर सपोर्ट जो कोमशिया से होता है A+, जिसको हार्डवेयर A+ बोलते हैं, तो इसका आईडी आपके पास होना चाहिए और इसको नॉलेज इसको पढ़ना है आपको। नेटवर्किंग नेटवर्क प्लस होता है, ये भी कोमशिया का सर्टिफिकेशन होता है, N+ जिसे बोलते हैं। तो ये दोनों जो होता है सबसे मेन होता है बिगनर्स के लिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोनों, राइट। तो अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादातर ये जो होता है ये 4 से 6 महीने का एक कोर्स होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाके करते हो, जिसको हम CCH के नाम से जानते हैं, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कोर्स का नाम होता है सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें A+ एंड N+ होता है, राइट। तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, आउटलुक आना चाहिए, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मेल जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या जो भी मेल है आपके पास, मेल क्लाइंट है, मेल जो होता हर कंपनी में यूज़ होता है, तो मेल कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। और उसके बाद है नॉलेज ऑफ विंडो सर्वर जिसको हम MCS से बोलते हैं, विंडो सर्वर। अब MCS से एक्सपायर हो गया लेकिन उसके सर्विसेज जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, अगर MCS का पेपर देना चाहते तो पेपर नहीं दे सकते क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने रिटायर कर दिया उसको, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में कोई पेपर देना चाहेंगे तो आप केवल क्लाउड कंप्यूटिंग का दे सकते हैं, उसका मैंने क्लाउड का पाथ मैंने बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पाथ बना रखा है, उसको मैं एप्लीकेशन पे भी शेयर करूँगा, ठीक है। एप्लीकेशन में तो उसका एक सेशन मैं रखूँगा जिसमें बताऊँगा, यूट्यूब चैनल पे भी मैंने शेयर कर रखा है इसको, राइट। और इसके बाद जो है आपको विंडो सर्वर के बारे में सारा नॉलेज होना, फिर लिनक्स के बारे में, रेड हैट स्पेशली इसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद जो है वर्चुअलाइजेशन, ये बड़ा रोल प्ले करता है, वर्चुअलाइजेशन का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, स्पेशली VMware, राइट, क्योंकि बिना वर्चुअलाइजेशन के आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद अब जो है आने वाले टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग का ही स्कोप होने वाला है,
तो क्लाउड कंप्यूटिंग जानने के लिए क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग डायरेक्ट हम कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक सर्वर, विंडो सर्वर, लिनक्स सर्वर, वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज अच्छे से नहीं ले लेते, तब तक आप क्लाउड में बिल्कुल मजा समझ में आएगा, लेकिन आपको कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलने वाला है। तो अभी जो है, अभी ये टाइम है टू गेन नॉलेज फॉर विंडो एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये नॉलेज अगर आप गेन कर ले रहे हैं तो बाद में आप क्लाउड पे जंप कर जाएंगे। जो भी, मैं ऐसे बिगिनर्स को ज़रूर बोलना चाहता हूँ, जो बहुत सारे मैंने बात की है बहुत सारे लोगों से, उनका देह कि डायरेक्ट हम क्लाउड का सर्टिफिकेशन ले लें, क्लाउड कंप्यूटिंग सीख जाएँ और क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, तो बिल्कुल ये सही आइडिया नहीं है। हो सकता है आपको मिल जाए जॉब क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का, लेकिन सही नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप बीटेक कर रखे हैं, राइट, अगर इंजीनियर हैं और उसके बाद आप चाहते हो डायरेक्ट क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, यस, तब आप सर्टिफिकेशन लेकर मेहनत करके इसका नॉलेज लेके आप जंप कर सकते हैं एज अ क्लाउड, बट उनके लिए भी डिफ़िकल्ट रहेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब करिए, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर पे जाइए। तो ये नॉलेज होना चाहिए आपको, राइट, और कम्युनिकेशन स्किल तो ज़रूरी है ही है, उसको कहना ही नहीं है। तो इसके बाद मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि हार्डवेयर में क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क प्लस में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, आउटलुक में क्या क्या आना चाहिए, और विंडो सर्वर में, लिनक्स में, वर्चुअलाइजेशन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या आना चाहिए आपको, ठीक है, क्या क्या इसके टॉपिक हैं, ब्रीफ मैं करने जा रहा हूँ इसको। ये रहा हमारा हार्डवेयर ए प्लस, जिसमें ये सारे कंटेंट हैं। देखिए, इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, SMPS, मदरबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ये मालूम होना ही चाहिए, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड देन असेंबलिंग कैसे करना पीसी को, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, बायोस, विंडो इंस्टॉलेशन, कंट्रोल पैनल, प्रिंटर एंड रजिस्ट्री, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। SMPS, राइट, इम्पॉर्टेंट सभी है, सभी पढ़ना है, बट ये जो टॉपिक मैं इंडिकेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक इंटरव्यू के पोर्शन से, अगर इंटरव्यू अटेंड करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये करना जो है ना। मैं बताऊँ आपको, अगर ये सारा टॉपिक मिला के अगर ये कंप्यूटर बनाना रहे आपको, तो आप 2 घंटे की ट्रेनिंग की ओर ले लो। असेंबलिंग कैसे करना है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते कंप्यूटर में, सबसे पहला टॉपिक आप कर लो इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये देख जाओ, और उसका डायरेक्ट आप असेंबलिंग सीख सकते हो, आपको कंप्यूटर का आइडिया हो जाएगा। बट इंटरव्यू आप जब अटेंड करोगे तो वहाँ पे मार खाएंगे आप। इंटरव्यू में जो होता है, आपको एक एक टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, राइट, तो इसलिए आपको थियोरी तो जानना ही पड़ेगा, ये तो इसको पढ़ना पड़ेगा, थियोरी रहेगा, और आई प्रोमिस यू आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। जिस लेवल की मैं ट्रेनिंग आपको, जिस लेवल की मैं ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगा, उससे बोर नहीं होंगे, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे जो हैं, ये हार्डवेयर का हो गया, और इसके बाद जो है, ये देखिए नेटवर्क प्लस, ये सीखना रहेगा आपको, ये सारे टॉपिक आपको नेटवर्क प्लस में जानना रहेगा। व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग मॉडल क्या क्या है, पीयर टू पीयर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल, कौन सा मॉडल आप नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मेथड क्या है, डिप्लॉयमेंट मेथड होता है कि ट्रांसमिशन मेथड, जिसे हम डिप्लॉयमेंट मेथड बोलते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इनके, ठीक है। और इसके बाद जो है ट्रांसमिशन एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, तो जो ये जो हमारे डिप्लॉय होते हैं, कनेक्शन डिप्लॉयमेंट, उसका मेथड क्या क्या हो सकता है, सिंप्लेक्स हो सकता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, राइट, तो ये मेथड कैसे हमें करना है इसके बारे में, उसका नेटवर्क मॉडल है, राइट, नेटवर्क मीडिया है, नेटवर्क मीडिया में केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इसके बारे में, फिर रेफरेंस मॉडल, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, IP एड्रेसिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमेशा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और सबनेटिंग, इसका मैंने YouTube पे वीडियो छोड़ रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, IP एड्रेसिंग बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली मैंने समझा रखा है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, राउटिंग क्या होता है, और ये राउटर को कॉन्फिगर कैसे करना है, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, VLAN,
और यहाँ से डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, इसका लैब भी आपको जानना चाहिए डिफरेंसेस। हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वर्क ग्रुप एंड डोमेन में अंतर, नेटवर्किंग मॉडल, OSI मॉडल, इस सबसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको नेटवर्क प्लस में जानना चाहिए, जो कि हम लोग करेंगे एक एक करके, राइट। और इसके बाद जो है यहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, आउटलुक में आपको आना चाहिए, आउटलुक में POP 3 एंड SMTP, स्पेशली इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल, और कैसे इसका सेटिंग करना है अकाउंट की, कैसे इसको ट्रबल शूट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। PST फाइल होती है जो बैकअप करके कहाँ पे लोकेशन कहाँ इसको ट्रैक करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, राइट। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको करना है, ये सारा एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट, ओके। और इसके बाद हम बात करते हैं विंडो सर्वर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विंडो सर्वर। तो जो भी अगर एप्लीकेशन में नहीं है, अगर आप एप्लीकेशन में हमारे साथ ज्वाइन है, तो आपको हम ये आपके मोबाइल नंबर पे शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम, नहीं तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब तक आप स्ट्रेटजी के तहत नहीं सीखेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। आप एक प्लानिंग के तहत आता अपना एजेंडा फिट करिए पहले, क्या हमारा एजेंडा होने वाला है आने वाले टाइम में, उसके बाद आप स्टडी को स्टार्ट करेंगे, तभी आप एक रूट तक, एक जगह तक जा पाएंगे, एक गोल तक जा पाएंगे, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे बीच में, ठीक है। तो आप पहले एजेंडा फिक्स करिए, एजेंडा फिक्स करने के लिए आपको ये सारे टॉपिक आपके सामने हमेशा दिखना चाहिए। तो बेटर तो ये रहेगा सारा नोट डाउन करिए और एक अपने रूम में दीवार पे इसको चिपका लीजिए और उसको देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक, राइट। वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये देखिए विंडो सर्वर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन सर्वर का कैसे करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉन्फिगर करते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर जिसको हम लाइव करके देख लेंगे, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS, W, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सारे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। विंडो सर्वर को आपको एक एक करके सारा सीखना रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप आगे फर्दर क्लाउड लेवल पर जाना चाहते हैं, तो ये सर्वर लेवल की नॉलेज आपको ज़रूरी है, समझ में, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप क्लाउड में, क्लाउड के पोर्टल में जाएंगे, वहाँ समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, राइट। तो इसलिए बेटर है ऑन प्रमिसेस में पहले आपको काम करना आ जाए। तो ये सारी सारे टॉपिक, सारे पॉइंट एक एक करके हमें करना है। देखिए RDS होता है, रिमोट डेस्कटॉप सेशन कैसे हमें इस्टेब्लिश करना होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, फाइल सर्विसेज में देखिए DFS है, फाइल्स और रिसोर्स मैनेजर है, बैकअप रिकवरी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके बाद जो है लिनक्स में क्या क्या पढ़ना, देखिए लिनक्स में स्पेशली रेड हैट को कैसे इंस्टॉल करना है और बेसिक कमांड कैसे यूज़ करना, हमें कैट, टच, MKDIR, RM, vim, man, ये सभी, gedit, राइट, ये सभी बेसिक कमांड कैसे हमें ऑपरेट करना है, डिस्क मैनेजमेंट कैसे बनाना है, पार्टीशन कैसे उसको माउंट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, ये सारा चीज़ हम DWF डिस्क कमांड से करेंगे। उसका नेटवर्किंग कैसे हम यूज़ करना है, NMCLI कमांड कैसे यूज़ करना है, राइट, रेड हैट में, उसके रिपोजिटरी सर्वर कैसे बनाना है, मतलब पैकेज अगर कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सर्वर में तो कैसे इंस्टॉल करना रहेगा, इसके बारे में माउंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, राइट। वर्चुअलाइजेशन में नॉलेज ज़रूरी है, आप चाहे वाइपर भी का नॉलेज रखो, चाहे VMware का, तो बेटर है VMware, क्योंकि VMware ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है, और वर्चुअलाइजेशन की कंपनी कौन कौन सी हैं, और VMware वर्क स्टेशन क्या होता है, EXI सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, VSphere क्लाइंट को कैसे करना है, जैसे मान लो ये कि EXI सर्वर है और यहाँ पे आप अपने लैपटॉप में VSphere क्लाइंट रखे, कैसे आप कनेक्ट करोगे इसको, राइट। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। ये रहा क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अब मैं बताऊं, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की और कुछ चीज़ें मैंने लिखा है, अभी मैं डीप में इसलिए नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली डेस्कटॉप लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक सेपरेट ट्रेनिंग है, राइट। यहाँ पे बस मैंने बेसिक बता रखा है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड में अंतर क्या होता है, क्लाउड के सर्विसेज कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। बट मैं ये सारा सेशन जब हो जाएगा तो बाद में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सीरीज बनाऊंगा,
और इस एप्लीकेशन में भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी हम एक इसका प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्टार्टिंग में करूँगा एज्योर फंडामेंटल से, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, फंडामेंटल एंड एसोसिएट लेवल तक मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में बनाऊंगा। बट अभी आपको पेशेंस रखना, अभी आप हड़बड़ाएंगे नहीं हमें कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग, आने वाले टाइम में ज़रूर उस पर मैं करूँगा। देखिए मैंने दो चीज़ें इस पर मेंशन नहीं रखा, एक CCNA को मेंशन नहीं किया क्योंकि वो भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के अंदर में नहीं आता है, बट मैं CCNA का भी सीरीज लाऊंगा। मतलब इसमें ये सारे सीरीज रहेगा जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इंडस्ट्री में, आपको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा हेल्प लेने के लिए। अगर आप कंटिन्यू बने रहे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, सारा तैयार करेंगे, तो आपको किसी से दूसरे से पूछने की ज़रूरत शायद ना पड़े, राइट। बट आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे कंटेंट हमारे रहे। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू बी अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, व्हाट कोर्स शुड वी डू, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड वी हैव, पोजिशन एंड जॉब क्राइटेरिया, क्या क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ। पोजीशन एंड जॉब क्राइटेरिया, क्या क्या आप हो सकते हैं अगर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की ट्रेनिंग है, करते हैं सारा, क्या क्या मैंने ट्रेनिंग बताया, A+, N+, MCS से, लिनक्स, रेड हैट और VMware क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। उसको करने के बाद, ये सारा पैकेज करने के बाद आप क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सर्विस इंजीनियर बन सकते हो, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये सारे पोजीशन आपको मिल सकते हैं सिर्फ एक कोर्स करने से। अभी एक सिर्फ एक कोर्स मतलब उसमें सारा कुछ है, कंप्लीट एक पैकेज है एक्चुअली, वो एक कोर्स मत समझिए, राइट। तो ये पोजीशन हो गया, और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है। MNC में मिल सकती है, डोमेस्टिक कंपनी में, हॉस्पिटल्स में मिल सकती है, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में मिल सकती है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर 10th पास है तभी ये कोर्स तो करने को कर लेंगे, बट जॉब के लिए +2 पास होना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर कंपनी +2 मांगती हैं या ग्रेजुएट मांगती हैं।